नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई जो हाल ही में बहुत चर्चित हुआ, अगर देखें उसका बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छी फैमिली से था। इसी तरीके से किसी जमाने का डॉन बबलू श्रीवास्तव अच्छी फैमिली से था, पिता पुलिस में थे और उनके एक भाई आर्मी में ऑफिसर है। कैसे एक अच्छा सा जवान लड़का अचानक से क्राइम की दुनिया में उतर जाता है, कभी कोयला कारोबारी तो कभी दाऊद का साथी डॉन ब्रजेश की आज मैं पूरी कहानी आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी जिंदगी है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसके बारे में जान करके। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे आपकी दिलचस्पी ब्रजेश में उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले से आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए एक बात है, ये वीडियो अगेन आई एम टेलिंग यू कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। किस तरीके से अच्छा खासा हंसते खेलते परिवार का एक जवान लड़का जो है वो क्राइम की दुनिया में उतर जाता है। करीब 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश की वाराणसी सेंट्रल जेल से गुरुवार यानी के 2 दिन पहले ही रिहाई हुई है। अब ब्रजेश एक आम जिंदगी जिएगा, लेकिन ब्रजेश सिंह की पूरी जिंदगी किसी कहना चाहिए कि एक फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी करने का सपना था उसका भी, और ऐसा हो ना सका। बहुत सारे मामलों में जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता। और वाराणसी के दोरहरा गांव का अरुण सिंह कैसे उत्तर प्रदेश का बाहुबली ब्रजेश सिंह बन गया, ये अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी स्टोरी है। बॉलीवुड की फिल्मों में कैसे 12वीं की परीक्षा पास करके कॉलेज में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाने वाला नौजवान धीरे 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 गैंगस्टर बनता चला जाता है, अरुण सिंह से वो ब्रजेश जब बनता है, वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बनारस के धौरहरा गांव के संभ्रांत किसान और नेता रविंद्रनाथ के बेटे अरुण सिंह ने 12वीं की कक्षा पास की तो वो भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए बीएससी में उसने एडमिशन ले लिया। रविंद्रनाथ सिंह हर पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा भी एक ऑफिसर बने, गांव का नाम रोशन करे, लेकिन कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता। 27 अगस्त 1984 की तारीख ने अरुण सिंह की पूरी जिंदगी बदल दी। पिता रविंद्रनाथ सिंह की गांव में ही रहने वाले कुछ दबंगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पिता की हत्या से अरुण सिंह एकदम बौखला गया। उसके जो सपने थे अपनी जिंदगी के वो सब बिखर गए। यूं कहिए कि उसकी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया और उसने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। 1 साल के अंदर ही 27 मई 1985 को पिता की हत्या के जो मेन आरोपी थे हरिहर सिंह, उसकी उन्होंने हत्या कर दी। अरुण सिंह अब ब्रजेश सिंह बनने की राह पे कदम बढ़ा चुका था। उसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा था, लेकिन ब्रजेश सिंह अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था क्योंकि पिता के बाकी के जो हत्यारे थे उनका भी बदला लेना था। अप्रैल 1986 को चंदौली के सिकरौरा गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 7 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। ये वो लोग थे जो ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या में शामिल थे। यहाँ ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन
ब्रजेश सिंह की पूरी जिंदगी बदल गई। विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। एक मिनट रोक के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब जेल में किसी की एंट्री हो जाती है तो वहाँ उनसे भी धुरंधर लोग अंदर होते हैं जो न जाने क्या क्या कांड करके वहाँ बैठे हुए हैं, और वहीं से उनकी पूरी रंगदारी चलती है। जैसा मैंने अभी आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया, वो एक चूँकि ताजी घटनाओं में शामिल है, बहुत नाम चर्चित है, लेकिन ऐसे कई लॉरेंस बिश्नोई हैं, ऐसे कई विजय सिंह हैं जो जेल में रह करके वो बारीकियां सीख लेते हैं किस तरीके से क्राइम करना है और किस तरीके से फिर उस चीज़ को एंजॉय करना है। वो जो पावर होती है उसको एंजॉय करने का तरीका भी उनको जेल में मिल जाता है। तो मैं दोबारा आती हूँ कि किस तरीके से वो उसकी जेल में मुलाकात होती है त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन सिंह भी अपने भाई के हथियारों को मौत के घाट उतार चुका था और जेल में बंद था। ब्रजेश और त्रिभुवन की कहानी एक जैसी थी तो दोनों में दोस्ती हो गई। जेल में रह करके ब्रजेश सिंह को सब कुछ समझ में आ गया था कि ये जो क्राइम की दुनिया है वही अब उसका सब कुछ है, यहीं से उसे ताकत हासिल करनी है, यहीं से उसको पैसा कमाना है। यहाँ से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने स्क्रैप और बालू की ठेकेदारी करने वाले साहिब सिंह का साथ पकड़ लिया। दोनों साहिब सिंह के लिए काम करने लगे और साहिब सिंह को सरकारी ठेके दिलवाने लगे। यहीं ब्रजेश सिंह का टकराव पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी से शुरू हुआ। दरअसल मुख्तार अंसारी साहब सिंह के विरोधी मकनू सिंह के लिए काम करता था। सरकारी ठेकों में वर्चस्व को लेकर के मकनू सिंह और साहिब सिंह तक की अदावत ब्रजेश सिंह और मुख्तार सिंह अंसारी के बीच में शुरू हो गई। हालात ऐसे बिगड़े कि मुख्तार और ब्रजेश ने अपने सरपरस्तों से खुद को अलग कर लिया और अपना अलग से एक दबदबा बनाना शुरू कर दिया। मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर के झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर के ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच में आपस में गोलियां चलने लगी। 1990 के आसपास ब्रजेश सिंह ने तब के बिहार और आज के झारखंड का रुख किया। ब्रजेश सिंह कोयला के बड़े कारोबारी और बाहुबली सूर्यदेव सिंह के लिए काम करने लगा। उसमें सूर्यदेव सिंह के 6 विरोधियों को भी उसने रास्ते से हटाया, ऐसा उसकी फाइल में अंकित है। इसी बीच ब्रजेश सिंह का संपर्क मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से होता है। मुंबई के दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पार्कर की अरुण गवली गैंग के शूटरों ने हत्या कर दी थी और बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में सबसे बड़े शूट आउट को अंजाम दिया। 12 सितंबर 1952 को इस्माइल पार्कर की गोली मार के हत्या की जाती है। अरुण गवली गैंग का शूटर शैलेश हल्दंकर भी घायल होता है इस शूट आउट में, और शैलेश हल्दंकर का मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 18 में भर्ती था वो। और ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर डॉक्टर के भेज में वहाँ पहुँचते हैं और शैलेश हल्दंकर की हॉस्पिटल में ही गोलियों से भून करके हत्या कर देते हैं। यहीं से विजय सिंह का दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम हो गया, क्योंकि उसके साथ अब अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम भी मिल गया था। लेकिन मुंबई के सिलसिलेवार बम धमाकों ने ब्रजेश और दाऊद इब्राहिम के रास्ते अलग अलग कर दिए। ब्रजेश सिंह अलग हो गए। यहाँ एक चीज दोस्तों गौर करने की है कि दाऊद इब्राहिम और ब्रजेश सिंह अपनी बदमाशी, अपना दबदबा तो कायम कर रहा था, लेकिन वो सब नहीं कर रहा था जो दाऊद इब्राहिम कर रहा था। उत्तर प्रदेश में विरोधी मुख्तार अंसारी का कद लगातार इधर बढ़ रहा था और मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रास्ता अपना लिया, अपने वजूद को बड़ा कर लिया और ब्रजेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा।
जुलाई 2001 में मऊ से विधायक होकर के मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के उमरचट्टी इलाके में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पे हमला बोल दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी और उनका गनर घायल हो गए। बाद में ये भी बताया जाता है कि गनर की मौत भी हो गई थी। और नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्ण नंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी के वजूद का प्रदेश में सबसे बड़ा कद कर दिया और ब्रजेश सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा। 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। यूपी छोड़ने के बाद ब्रजेश सिंह उड़ीसा में एक कारोबारी बनकर रहने लगे थे। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को अपना जो उनका जो कद था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह 2 बार MLC रहे, पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को MLC बनाया गया, खुद ब्रजेश सिंह एक बार BJP से MLC बने और अभी हाल ही में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर MLC बनी है। वहीं भतीजे सुशील सिंह की 3री बार चंदौली से उन्होंने विधायकी जीती, अपनी विधायक बने। लगभग 13 साल बाद ब्रजेश सिंह एक बार फिर जेल से बाहर है। जाहिर है पूर्वांचल के जरायम की दुनिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं। ब्रजेश सिंह अपने राजनीतिक वजूद को विरोधी मुख्तार अंसारी से बड़ा करने की कोशिश में जुटेंगे, जिसकी तस्वीर जो है मैं समझती हूँ जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें और भी क्लियर हो जाएगी। तो ये थी एक कहानी किस तरीके से एक पढ़ने लिखने वाला युवक कैसे डॉन बन जाता है, माफिया डॉन बन करके इतना बड़ा उसका कद हो जाता है कि वो आगे चल करके बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे उनके साथ मिल जाता है। और आगे की कहानी मैंने आपको बताई है किस तरीके से एक छोटे अपराध से फिर उसे डर नहीं रहता, उस पावर को वो इंजॉय करने लगता है और वो जो काम करता है उसको वो इंजॉय करने लगता है और करते 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 वो एक दिन जेल पहुंच जाता है, जो अब 2 दिन पहले ही यानी कि गुरुवार को जेल से बाहर आया है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस बारे में अपने राय मुझे दें मेरे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।